तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और गेम लाई हूँ जो कि मकर संक्रांति से रिलेटेड है। इस गेम के लिए मैंने एक ड्राइंग शीट पे 7 पतंग को पेस्ट कर रखा है और उस पे तंबोला के काउंटर्स के ही नंबर डाल रखे हैं। हर पतंग पर 4-4 नंबर डाल रखे हैं। आपको एक डाइस की आवश्यकता होगी और तंबोला के काउंटर्स की। गेम आपको कैसे खेलना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, रेड बटन को क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन आएगी उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मुझे है ना 7 पतंग है तो 7 चांस ही मिलेगी। अब मैं डाइस को रोल ऑन करूंगी और काउंटर्स को अच्छे से मिला लूंगी। अच्छा, मेरा आया 3, तो मैं 3 काउंटर्स निकालूंगी। मैं जहां जो नंबर है वो पेस्ट करते जाऊंगी। अब मेरा आया 4, नहीं है तो मैं अलग हटाते जाऊंगी। मेरी थर्ड चांस है। अब मेरा आया 3, ये मेरा है 2 है ऊपर, थ्री चांस हो गई मेरी, ये फोर्थ चांस है। अब मेरा 1 आया है तो मैं एक काउंटर उठाऊंगी। आया मेरी, ये मेरी कौन सी चांस है, फिफ्थ चांस है। मेरा 3 आया, सिक्स चांस है। ये 81 यदि होगा तो मैं टेस्ट कर दूंगी। जैसे मैंने अभी 6 चांस चली, इस प्रकार आप 7 चांस चलवाइएगा और 7 चांस में जो जितने ज्यादा नंबर स्काइप पे पेस्ट कर देगा वो इस गेम का विनर होगा। जैसे इस गेम में एक ट्विस्ट जो मैंने बोला था, यदि मैंने इस गेम में 14 रखा है क्योंकि मकर संक्रांति 14 को ही मनाई जाती है, यदि 14 किसी का निकल जाता है तो उसे एक चांस और एक्स्ट्रा मिलेगी। इस पे जो जितने ज्यादा नंबर पेस्ट करेगा वो इस गेम का विनर होगा। मेरे जैसे 5 आए हैं, 8, 10, 12, आपने जो 7 चांस में जो जितने ज्यादा पेस करेगा वो इस गेम का विनर होगा। थैंक्स।